हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट द कॉग्निजेंट फोर्सिंग टू रिजाइन एंड हियर इज़ द लेटर ऑफ टर्मिनेशन आल्सो गिविंग सेंडिंग द कंपनी टू एम्प्लॉय अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, चलिए, बेंच पीरियड भी कॉग्निजेंट में रीज़न है क्या टर्मिनेशन का, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेंच पीरियड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और लेटर ऑफ टर्मिनेशन अभी रिसेंटली में आया है कैंडिडेटों के पास में, और भी बहुत सारे कैंडिडेटों के पास में भी आ रहा है ये लेटर ऑफ टर्मिनेशन, क्योंकि कंपनी फोर्स कर रही है रिज़ाइन के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है क्या नहीं है, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो देखिए, शो केस ऑफ अ नोटिस डेटेड है 3 मई 2024, तो अभी रिसेंटली दिस मंथ है, जो कि 3 मई को हमारा नोटिस का डेटेड आया हुआ है। योर रिस्पॉन्स टू शो केस द नोटिस इज 3 मई 2024 पर्सनल हियरिंग डेटेड। तो यही सी तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, हमारा रेफरेंस में ये जो कि सब टाइटल के ऊपर दिया गया है, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर मेंशन किया गया है कि जो नोटिस उन्होंने डाला है 3 मई का है, और आप लोगों को रिस्पांस इसको 3 मई को देना है, और जो पर्सनल हियरिंग डेटेड है वो 9 मई की है। तो पर्सनल हियरिंग डेटेड क्या है कि गाइस, आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट पर डाला जाता है या बेंच पीरियड पर है, तो आप लोग अगर उस प्रोजेक्ट पर आप एलोकेट नहीं होते हो, या फिर आप डिक्लाइन कर देते हो प्रोजेक्ट पर, या फिर कंपनी के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बेंच पीरियड पर आप सैलरी एक्सेप्ट करते हो, तो उस चीज़ को हियरिंग करने के लिए कंपनी भी एक डेटेड देती है, जहाँ पे आपकी हियर किया जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया, आपके स्किल्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो कंपनी आपको निकालेगी, टर्मिनेट करेगी या फोर्स करेगी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो चलिए चलते हैं। टर्मिनेशन ऑर्डर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, टर्मिनेशन ऑर्डर फॉर द एम्प्लॉयमेंट विद द कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इन द प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने किया गया, यू हैव बीन एलोकेटेड एसोसिएट डिप्लॉयबल पूल सिंस 4 मार्च। 4 मार्च तक उन्होंने एसोसिएट डिप्लॉयबल पूल दिया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव बीन प्रोवाइडेड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अ सुटेबल प्रोजेक्ट विद कॉग्निजेंट। तो वहाँ पे उन्होंने डेट दी थी डिप्लॉय पूल पे, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा टाइम दिया गया था, इस मतलब बहुत सारा पीरियड दिया गया था वहाँ पे कि आप लोग एक मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिए और उस पर वर्क करिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट दिया था कॉग्निजेंट ने, हाउ एवर यू आर अनेबल टू सिक्योर एलोकेशन इन टू एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके बावजूद एम्प्लॉई ने कोई भी प्रोजेक्ट पे एग्जिस्टेंस पर करना नहीं स्टार्ट किया विद इन अ गिविंग पीरियड ऑफ अ टाइम के अकॉर्डिंग, इन स्पाइट ऑफ अ इंटरनल डिप्लॉयमेंट एफर्ट्स एंड असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द कॉग्निजेंट टीम बाय प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देने के बाद में भी अगर आपने भी उस मतलब जो बेंच पीरियड पर आप हैं और वहाँ पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट को अलोकेशन देना मतलब आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देने के बाद में क्या हुआ है, उन्होंने ये भी बोला है कि आपकी स्किल कॉम्पिटेंसी लेवल डिड नॉट मैच द क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड टू क्लियर द सिलेक्शन प्रोसेस अपॉर्चुनिटी एबल द प्रोजेक्ट विद इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने काफ़ी टाइम भी आप लोगों को रिमाइंडर भेजा होगा कि आप लोग अपनी स्किल को मजबूत कीजिए, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ये प्रोजेक्ट चीज़ें हैं, आप लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। तो बहुत सारे रिमाइंडर देने के बावजूद भी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि यू आर एबल टू सिक्योर अ प्रोजेक्ट सिंस 4 मार्च टिल डेट, ये हैज़ बीन अ रीजनेबल कॉस्ट प्रोग्रेसिव इंटरेस्ट एग्जिबिट गेटिंग प्लेस इन सुटेबल प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि आपने कोई भी रीजनेबल कॉस्ट नहीं है, ना कोई आप लोगों ने अपने प्लेस किया गया सुटेबल प्रोजेक्ट में आपने आपको नहीं रखा है, तो जिसकी वजह से डिसइंटरेस्ट एंड नॉट गेटिंग प्लेस इन सुटेबल प्रोजेक्ट विदाउट एनी रीजनेबल कॉस्ट मोर टू बी हैव सम सो गिवन। तो गाइस, कंपनी ने बहुत सारे चांस देने के बाद, बात करते हैं यहाँ पे जो मेंशन करके रखा हुआ है इन्होंने एसोसिएट मतलब डिप्लॉयबल पूल, तो ये क्या होता है, ये एक टाइप का ही हमारा बेंच पीरियड ही होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेटों को जो प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं मिलता है तो उनको एक जगह मतलब एक पूल में डाल देते हैं, जो कि हमारा देखा जाए बेंच पीरियड या बेंच पॉलिसीज होती है। और वहाँ पर क्या करते हैं, जबकि इन द फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जो न्यू टीम लीडर्स होते हैं, जो कि हमारे मैनेजर होते हैं, वो उसमें से जिसकी स्किल्स अच्छी होती है, क्योंकि बेंच पीरियड पे वो कंपनी रिमाइंडर देती रहती है कि आपको अपनी स्किल अच्छी करिए, आप लोग जावा पे है या .NET पे है, आप लोग इस पे कीजिए, क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे इस मतलब इस बेसिक पे आने वाले हैं, इस लैंग्वेज पे आने वाले हैं, तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। जिसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेटों ने क्या किया कि उसमें भी रिजाइन मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग बेंच पीरियड पे ही रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्होंने जो कि नोटिस पीरियड जो मेंशन करके रखा है, जो कि बेंच पॉलिसीज़ है, तो मोस्टली कंपनियों की 60 to 90 days होती है, जो कि कॉग्निजेंट की हमारी 90 days की है। तो आपने देखा होगा मार्च के बाद में जो लेटर था, मार्च के बाद उन्होंने मई में इसके ये रिमाइंडर भेजा कि आप लोग इसका सो कुछ नोटिस है जो देख लीजिए और पर्सनल हियरिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे रिमाइंडर और बहुत सारे प्रोजेक्ट के एलोकेशन के लिए आप लोगों के पास कॉल या मतलब ईमेल्स आए होंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना है।
पर आपने वो प्रोजेक्ट डिनाइड कर दिया, तो जिसकी वजह से कंपनी आप लोगों से एक रिस्पांस मांगेगी, आप लोगों से रीज़न मांगेगी कि आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट एलोकेशन ले रहे हैं, आप प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं आ रहे हैं, कि आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, क्या नहीं है, तो कंपनी फिर उसके बाद डिसीजन लेगी। जिस रूल्स के अकॉर्डिंग सभी कंपनियों के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो गाइस उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग उसको रीज़न नहीं देंगे, आप लोग कोई कंपनी के मतलब क्या नहीं करेंगे कि आप लोगों ने रीज़नेबल कॉस्ट पर मतलब आप लोगों ने ज्वाइन की थी कंपनी और उसके बाद में आपने मतलब प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं और आप लोग बेंच पीरियड पर सैलरी भी लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको फोर्सिंग तो रिजाइन जरूर करेगी ही। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना।